Yes, today I have discussed with you World Day for International Justice, 17 July. Okay, that is celebrated on 17 July every year. The motive of this International Justice Day is to form uniform policies all over the countries, and so that war prisoners and soldiers of different countries should be given protection. Clear? So after that, I will start with our topic, that is nationalism in India. And in this chapter, the last topic I have given information. Yesterday I have discussed with you that how feeling of nationalism emerged in the mind of Indian people, and they opposed foreign goods. United struggle, many people, they fought against the wrong policies of colonial rule. So that is the main reason why the feeling of nationalism came into the mind of common people. United struggle and cultural process. Yani ki for 200 years, 300 years, we Indian were under the control of colonial. We were exploited by the Britishers. And that's why we can say that this created a feeling of nationalism in our mind. Aur jab hamari country mein freedom struggle start hua, so many people, they fought and they participated by different movements or in their own way. Many groups were formed. Some were moderates, some were extremists, some were revolutionaries. All gave their contribution in their own way. ठीक है, तो कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब होता है जब हम अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग, जब हम अपनी कंट्री को, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली से ज्यादा मानते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग जो हैं उनके मन में नेशनलिज्म की, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है, और इस फीलिंग के कारण वो अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा यूनाइटेड स्ट्रगल. यूनाइटेड फर्स्ट हेडिंग आप बनाओगे यूनाइटेड स्ट्रगल. ठीक है, कल्चरल प्रोसेस. ये स्ट्रगल जो था वो कितने सालों से था? 200 इयर्स, 300 इयर्स. 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आई, 1700 देन 1800, एंड सच अ लॉन्ग टाइम वी हैव स्पेंट, आवर इंडियंस दे स्पेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, दे वर एक्सप्लॉइटेड अ लॉट. सो दिस क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म इन देयर माइंड. ठीक है, मेनी सॉन्ग्स, पोएम्स एंड स्टोरीज वर रिटन एट दैट टाइम टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. Then second मैंने आपको डिस्कस किया था इमेजेस ऑफ भारत माता. भारत माता की इमेजेस बनाई गई, एलिगरीज बनाई गई. वंदे मातरम सॉन्ग का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जो है वो माना जाता है. वंदे मातरम सॉन्ग इसको लिखा गया था आनंद मठ. आनंद मठ एक नॉवल था रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इवन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इमेज सबसे पहले इमेज जो बनाई थी भारत माता की, दैट बिकेम वेरी पॉपुलर. ये मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ. इसके बाद अवनिंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी एक जो है वो भारत माता से रिलेटेड पेंटिंग बनाई थी. ठीक है, तो अल्टीमेटली उस टाइम पीरियड में ऐसी इमेजेस जो हैं वो बहुत फेमस हुई. देन फोक टेल्स, हमारे इंडिया के अलग अलग एरियाज में से अलग अलग स्टोरीज, फोक टेल्स जो हैं उनको इकट्ठा किया गया, उसके बाद उनको बुक्स की फॉर्म में प्रिंट और पब्लिश किया गया. और इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है. ही कलेक्टेड स्टडी मटेरियल इंडिया के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग एरिया से फोक स्टोरीज को कंबाइन किया गया ताकि बच्चे अपने इंडियन कल्चर को जाने, अपने कल्चर की रूट्स को पहचाने, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस ना हो बल्कि अपने इंडियन कल्चर जो है उनकी रूट को पहचाने. ठीक है, देन फिर मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ आइकन्स, सिंबल्स. स्वदेशी मूवमेंट में ये कुछ आइकन्स एंड सिंबल्स बहुत फेमस हुए थे. ठीक है, फ्लैग्स, फ्लैग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है, ट्राई कलर फ्लैग. आज का जो फ्लैग है ये कलर उस टाइम पीरियड में नहीं थे, और उस कलर, उस टाइम के मेन कलर कौन से थे? रेड, ग्रीन एंड येलो. यानी कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में लोग इन कलर्स को एक नेशनल सिंबल मानते थे, और
इन जो ये फ्लैग था फर्स्ट टाइम ये जो फ्लैग उन्होंने अडॉप्ट किया था, इस फ्लैग में मैंने कल बताया था आपको 8 लोटस थे उसके ऊपर। 8 लोटस रिप्रेजेंट करते हैं 8 प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब एट दैट टाइम इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 8 प्रोविंस अंडर कॉलोनियल रूल। तो ये 8 लोटस रिप्रेजेंट करते थे 8 एरियाज जो इन फ्लैग के ऊपर डिपिक्ट किए गए। तो स्वदेशी मूवमेंट में इन 8 एरियाज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया कि वी वॉन्ट फ्रीडम, ये लोग जो है वो फ्रीडम चाहते हैं। ये कलर जो है, कलर हाईलाइट करता है उनकी यूनिटी को, कलर उनकी यूनिटी को हाईलाइट करता है, ठीक है। और इसके इस जो है फ्लैग के ऊपर मून की पिक्चर, मून की पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करती है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। ये जो पुराना फ्लैग था, इस फ्लैग का के फीचर क्या थे, 3 कलर्स आपने याद रखने हैं, रेड ग्रीन एंड येलो, और एक आपने याद रखना है कि इसके ऊपर 8 लोटस प्रिंट किए गए थे, और थर्ड आपने याद रखना है कि इसके ऊपर मून प्रिंट किया गया था। मून रिप्रेजेंट करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो उस टाइम पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट में, जब स्वदेशी मूवमेंट हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पीरियड में ये फ्लैग बहुत फेमस है, जो यूनिटी हमारी कंट्री की यूनिटी जो है वो शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट महात्मा गांधी जी ने एक और फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा जाता है स्वराज फ्लैग। दिस वॉज डिजाइंड बाय महात्मा गांधी, लेकिन उन्होंने कलर को रिप्लेस किया, इसमें कलर लिए गए रेड ग्रीन एंड व्हाइट। ये भी यूनिटी यानी कि इंडियन यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। और ये कौन से ईयर में डिजाइन किया गया, 1921 इस फ्लैग की सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन फीचर था, सेंटर वाली स्ट्रिप में स्पिनिंग व्हील, गांधी जी का जो चरखा था, स्पिनिंग व्हील उसकी फोटो को डिपिक्ट किया गया, ठीक है। स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील का मतलब क्या है, सेल्फ हेल्प, कि हम अपना जो क्लोथ यानी कि जो खादी है वो खुद बनाएंगे, हम फॉरेन क्लोथ जो है ना उसको खरीदेंगे और ना ही उसको बेचेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने ये आपने याद रखना है, आपको ये भी 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू आ सकते हैं, स्वराज फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय महात्मा गांधी इन 1921, इसके कलर्स रेड ग्रीन एंड व्हाइट, सेंटर की जो स्ट्रिप थी, ठीक है, उसमें एक स्पिनिंग व्हील जो था, स्पिनिंग व्हील की फोटो थी, और स्पिनिंग व्हील क्या रिप्रेजेंट करता था, सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब होता है अपनी हेल्प खुद करना, इसका मतलब क्या है कि हम फॉरेन क्लोथ नहीं बल्कि अपनी कंट्री में बना हुआ जो खादी क्लोथ है उसको ही बेचेंगे और उसको ही खरीदेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ रीइंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रीइंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि पुरानी जो बुक्स हैं वेदास उनको ट्रांसलेट किया गया, पुरानी बुक्स हमारी जिसे हम कहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को जो लोग भूल गए थे उनको ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश और इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, ताकि हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न यूथ है वो इनको पढ़े और इनको पढ़ के उनको अपनी इंडियन हिस्ट्री, साइंस, मैथ, रिलीजन, कल्चर के बारे में पता लगे। लोगों को बताया गया कि पूरे वर्ल्ड को जीरो किसने दिया, आर्यभट्टा ने, आर्यभट्टा फेमस एस्ट्रोनॉमर माने गए। हमारे इंडिया का पुराना योगा, योगा जो आज के टाइम पर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, तो योगा जो है अल्टीमेटली इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, इंडिया से। तो ये भी एक प्राउड की बात है आज के टाइम पर में अगर देखा जाए, तो उस टाइम पीरियड में भी अपने इंडिया के पुरानी कल्चर, पुरानी बुक्स, पुराने फिलोसोफर्स उनके नेम्स, उनकी बुक्स को हाईलाइट किया गया। पतंजलि
पतंजलि मेडिसिन से रिलेटेड जो है, ठीक है, वहां बहुत से मेडिसिन से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया ताकि लोग जो हैं वो आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जो है उनका झुकाव ज्यादा हो एलोपैथी को छोड़कर। इसके अलावा हमारी कंट्री के पुराने जितने भी फेमस एस्ट्रोनोमर्स फिजिशियंस, ठीक है, उनकी बुक्स को ट्रांसलेट किया गया ताकि वर्ल्ड को हम अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, ताकि यूथ को हमारी पुराने आर्किटेक्चर हमारे आर्किटेक्चर के बारे में पता लगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं, उनकी क्या साइंटिफिक रिकॉग्निशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इंडियन कल्चर को जब पूरे लार्ज स्केल पे रिप्रेजेंट किया गया तो बहुत से फॉरनर्स ने भी हमारी बुक्स को पढ़ा, उनको ट्रांसलेट किया और उनको ये पता लगा कि हमारा इंडियन कल्चर कितना रिच है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो यूथ अपने इंडियन कल्चर को भूल गए थे उनको वेस्टर्न कल्चर से वापस लाकर इंडियन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट किया गया, तो दैट क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल। क्लियर? हाँ जी। सो आई हैव डिस्कस द चैप्टर विद यू, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। यस भावना, प्लीज कीप योर माइक ऑन। यस भावना, भावना, वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन पार्ट फोर, आई हैव डिस्कस विद यू। मैम कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? भावना, आई हैव रिपीटेड द आई हैव डिस्कस द क्वेश्चंस विद यू ना, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मैम यस मैम, वी हैव डिस्कस द फिफ्थ एंड फोर्थ क्वेश्चन। वी हैव डिस्कस फिफ्थ एंड फोर्थ। Okay. So what is the answer of this? What is why growth of nationalism is the colonies linked to anti? Ye hamara first part tha bache. Will you be able to give the answer? Okay. Time is over now. So we will discuss question answers next in the next period. Okay, beta. Okay.